हेलो फ्रेंड्स, ये अपनी एयर राइफल प्रेसी होल S600 पेगासस। ये 2016 मॉडल है, 2016 में ली थी मैंने और वन ऑफ द बेस्ट एयर राइफल है ये। और हम जो पैलेट यूज़ करते हैं ये फील्ड शूटिंग के लिए होता है, मेड इन इंडिया, ये जी स्मिथ एंड कंपनी का हाई इंपैक्ट के नाम से। ये मुझे 350 रुपये में 400 पीस आए हैं, 9.6 ग्रेन के हैं और बेस्ट है फील्ड शूटिंग के लिए, बेस्ट है। तो ये है वो ग्रेन्स 9.6 के बेस्ट पैलेट्स। और इसी के साथ हम आपको इसका पावर टेस्ट करके बताते हैं। आई थिंक काफ़ी लॉन्ग रेंज आज भी मैं इसको शूट करता हूँ तो बेस्ट रिज़ल्ट है आज भी, बहुत बढ़िया है। इसकी रियर साइड देखिए आप, मेटेलिक और बहुत क्लासिक है। दिस इज़ फ्रंट वन, द बेस्ट, बहुत अच्छी साइट है फ्रंट भी। इसकी रियर साइड देखो क्या क्लासिकल है। इसमें स्कोप रेल भी है, स्कोप रेल। एंड अब हम आपको इसका पावर शेड टेस्ट बताएंगे। हम अभी शूट करने वाले हैं ये लाइटर और डिस्टेंस होगी अप्रॉक्स 45 फिट के आसपास, 45 फिट, क्योंकि हम घर की छत पे कर रहे हैं तो इसलिए 45 फिट पर वो शूटिंग करके बताएंगे। एंड अपने राइफल पैलेट्स रेडी टू फाइट। ये अपने दो टारगेट्स हैं, एक लाइटर और एक बैटरी है, घड़ी की जो सेल बोलते हैं वो है। तो लेट्स स्टार्ट, टारगेट्स आपको जूम करके बताता हूँ मैं। ये अपने टारगेट्स हैं, बाकी शूटिंग आपको क्लोज से ही बताऊँगा। अब कैमरा सेट करना पड़ेगा, मोबाइल से बनाता हूँ, मेरे पास कोई गोपरो वगैरह नहीं है। तो चलो शूट करते हैं। तो दोस्तों आपका मैं करीब से दिखाऊंगा शूटिंग, यहाँ पर मोबाइल का कैमरा सेट कर रहा हूँ। पहले हम सेल को शूट कर रहे हैं। नाउ लाइटर सेल से टकरा के गिरा है और हम लाइटर शूट कर रहे हैं। लाइटर सेल से टकरा के गिरा है और हम लाइटर शूट कर रहे हैं। तो गाइस दोनों टारगेट शूट कर दिए मैंने, लाइटर पे एक मेरा मिस हो गया था थोड़ा सा डिस्टरबेंस के कारण। तो इट्स ओके, मैं आपको अब रिज़ल्ट बता देता हूँ।
अब हम रिज़ल्ट देखते हैं दोनों टारगेट शूट करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया। हमने जो बैटरी को शूट किया था इस पर जो शॉट लगा वो यहाँ पर लगा था, तो इसमें कोई ख़ास इफेक्ट नहीं हुआ, बट ये थोड़ा सा इसको खोल दिया इसने, ये ना ये ढीला हो गया है, ये देखिए। तो ये शूट से इतना इफेक्ट आया है कि इसको पूरा इन्हें खोल दिया है। पावरफुल है गुरु, पावरफुल है। लाइटर को देखो आप, शायद वीडियो में साउंड भी आया होगा अच्छा खासा। तो इसको तो ऐसे बम की तरह ब्लास्ट कर दिया लाइटर को, तो इसका आधा हिस्सा मिल नहीं रहा है, कहीं बिखर गया होगा या उछल गया होगा कहीं। तो ये रिज़ल्ट है, और बेस्ट एयर राइफल मेड इन इंडिया, कीप सपोर्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।